सारे बच्चे जो नीट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एक और खबर आई है, मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे भेजा है, तो ये खबर थोड़ा शॉकिंग है और डर भी लगा अंदर से, क्योंकि ये ऑथेंटिक खबर है और वो है वाराणसी में, बनारस में नीट परीक्षा में पुलिस का बड़ा खुलासा। 25 अभ्यर्थी थे सॉल्वर गैंग के संपर्क में, परिणाम रोकने के लिए NTA को भेजी रिपोर्ट। ये हेडिंग है, मैं अभी यहाँ बैकग्राउंड में लगा भी रहा हूँ। ये है न्यूज़ डेस्क अमर उजाला वाराणसी से, पब्लिश्ड बाय नागार्जुन गौतम, अपडेटेड सैटरडे, आज 30 अक्टूबर 12:25 PM पे है ये रिपोर्ट आई है। नीट परीक्षा में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कमिश्नर सतीश ए गणेश ने बताया कि 25 अभ्यर्थी सॉल्वर गैंग के संपर्क में थे, जिनका पूरा बायोडेटा तैयार कर NTA को सूचित किया गया है, जिससे इनका परिणाम रोका जा सके, यानी उन 25 बच्चों का परिणाम रोका जा सके, ऐसा उन्होंने लिखा है। NTA संस्थान ही नीट का परीक्षा आयोजित करता है, तो ये उसके बारे में बताया गया। ऐसे ही जो खबर आ रही है बच्चे को परेशान कर रही है कि अभ्यर्थी को इन 25 का अगर रिजल्ट रोका जाएगा उससे क्या रिपरकशन होगा, उससे प्रॉब्लम क्या होगा, इन सारी चीज़ों को नीट को कंसीडर करना होता है NTA को, इसीलिए रिजल्ट कई कई बार रुकता जाता है। हमें तो ये खबर सामने आ गया, पता है, हो सकता कुछ ऐसे और खबरें हों जो NTA को परेशान कर रही हों, क्योंकि NTA भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं चाहेगी कि एग्ज़ाम को रिजल्ट को होल्ड करके रखा जाए। उसने अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी कि मेरा रिजल्ट रेडी है, तो कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, हो सकता रेडी हो, बीच में कुछ बातें आ गई हो, लेकिन बच्चे तो यही परेशान हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तो आप चले गए ये बोलते हुए कि मेरे पास रिजल्ट रेडी है, इन दो बच्चों की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ हाँ दे दो, आप इन दो बच्चों की वजह से क्यों रुके हो, तो अब क्यों नहीं आ रहा है। अभी अभी ये जो बनारस का न्यूज़ है, वाराणसी का न्यूज़ है, ये एक जरूर टेंशन बढ़ा रहा है कि इन 25 बच्चों का रोकेगा NTA या टोटल रोकेगा, या वो 25 बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले गए तो क्या हुआ। बट ओवरऑल जो भी है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है NTA के लिए बड़ा लेसन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना और मैं इस पे अपडेट लाता रहूँगा, कोई भी रिसेंट अपडेट होगा। लेकिन अभी पैरेलली एक और खबर मैं आपको बैकग्राउंड पे दिखा रहा हूँ, जो एक घंटा पहले आज तक ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है कि आज जारी हो सकता है रिजल्ट। हालांकि इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आज तक 28 को भी कह रहा था कि रिजल्ट जारी हो सकता है, कल भी कह रहा था आज जारी हो सकता है, आज भी कह रहा आज जारी हो सकता है, अगर आज जारी नहीं होगा तो कल लगा देगा कि आज जारी हो सकता है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल श्योर नहीं है कि आज जारी होगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, हम तो वेट कर ही रहे हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, ना किसी से ज़्यादा डिस्कस करो कितनी रैंक आ रही कितनी नहीं आ रही है। उन सारे बच्चों के लिए जिनको NEET 22 प्रिपरेशन करना है, वो info@avirel.ac.in पे आप मेल करिए हाय हेलो लिख के, ना तो मुझे आपका मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, ना कोई और चाहिए, मेरी तरफ से एक जेस्चर है आपके लिए। दिवाली के टाइम में आप लोग घर पे रहेंगे और उस टाइम में आपको 1000 क्वेश्चन फॉर ऑल JEE एस्पिरेंट और लगभग उतना ही उससे ज़्यादा नीट क्वेश्चन मैं दूंगा। तो दिवाली से पहले मैं क्वेश्चन और आंसर दे दूंगा आज या कल में, आप अगर मेल करते हैं, और दिवाली के अगले दिन उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो ये आपको एक बेनिफिट होगा। और भी मेरे से कोई भी रिलेशन में आपको इस टाइप से नीट के इन्फॉर्मेशन के बारे में, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने एक काउंसलिंग हेल्पलाइन जारी की है, उसमें आप मिस्ड कॉल दीजिए। मेरे जो काउंसलर्स हैं, मेरी जो टीम है, काफ़ी एजुकेटेड टीम है और रिसर्च इसी में कर रही है, वो आपको आंसर करेगी। अगर उसका आंसर रेडी नहीं होगा उस टीम का, तो रिसर्च करके आपको बताएगी। अगर रिसर्च नहीं हो पाएगा, नहीं पता चल पाएगा, तो जेंटली बना भी कर सकती है आपको टीम। तो आप लोग जारी रखिए अपना प्रिपरेशन, पढ़ाई, खाली टाइम में बैठिए मत, कुछ ना कुछ पढ़िए, रिसर्च करते रहिए, टाइम को यूटिलाइज करिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।